हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अनवर आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें भाई नेशनल नेशनल जो सिंबल है वो किस इंडिया, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो अगर आपको पता होगा स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों, आपको पता होगा जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, अगर हम बात करें हाई यानी लोएस्ट लेवल से लेकर और हाईएस्ट लेवल, जिस प्रकार से हम देखते हैं सेकेंड क्लास के अंदर जो हमारे EVS, अगर हम बात करें EVS के अंदर या सोशल साइंस के अंदर, 10th+2 के अंदर, और अगर हम बात करें जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, अगर हम कंपटीशन के अंदर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर एक या दो नंबर का जो क्वेश्चन आता ही आता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से। अगर हम बात चाहे बात करें हम HSSC के लेवल की, चाहे हम बात करें SSSC के लेवल की या हम बात करें बैंकिंग के लेवल की, तो सभी कंपटीशन के अंदर इनके अंदर से एक या दो नंबर मार्क्स का क्या है क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, हम सबसे पहले अगर बात करते हैं एक नंबर पर जो हमारा राष्ट्रभाषा यानी भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है वे भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार क्या करके बोल करके या लिख करके प्रकट करता है दूसरों के सामने, तो वो क्या है भाषा है। तो भाषा कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा, वो है हिंदी, हिंदी है। तो आपको पता है भी भाषा के दो रूप होते हैं जिसमें क्या मौखिक और लिखित दो टाइप्स होते हैं। तो मौखिक भाषा में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वे क्या है जो मुख के द्वारा बोले जा रहे हैं, यानी जो मुख के द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। और दूसरी जो अगर हम बात करें लिखित भाषा की, जिस प्रकार से आपको व्हाइट बोर्ड्स पर दिखाई दे रहा है जो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का जो टॉपिक है वो क्या है लिखा हुआ है, तो वो कौन सी भाषा हमारी लिखित भाषा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय लिपि यानी हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी है। क्या नाम है देवनागरी। तीन नंबर पे है राष्ट्रीय नारा, यानी राष्ट्रीय नारा कौन सा था ऐसा भाई जो बताया श्रमेव जयते, क्या है श्रमेव जयते। और चार नंबर पे है राष्ट्र ध्वज गीत, यानी हमारा राष्ट्र ध्वज गीत है वो कौन सा है, हिंद रंग का प्यारा झंडा, कौन सा है हिंद रंग का प्यारा झंडा। और आगे पांच नंबर पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज यानी ध्वज राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा कौन सा है, तिरंगा है, जिसका त्रि मीन्स जिसको हम संस्कृत में बोलते त्रि मीन्स तीन, यानी रंग मीन्स कलर, जो जिसको हम बोलते हैं तीन रंगों वाला सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा केसरिया होता है, आपको पता होगा। सेकंड नंबर पे होता है सफ़ेद होता है, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या होता है वे केसरिया सफ़ेद और हरा होता है। तो सबसे अगर हम बात करें बीच वाले की जो हमारा क्या है सफ़ेद कलर है उसके अंदर तिलियाँ होती हैं, तिलियाँ जिसका रंग क्या होता है नीला होता है, और उसके अंदर कितनी तिलियाँ होती है टोटल, वो होती है हमारी 24, कितनी तिलियाँ होती हैं 24। और जो अनुपात बताया गया तिरंगे का वो कितना बताया गया 2:3, यानी 2:3 बताया गया। आगे अगर हम बात करें वे राष्ट्र छः नंबर पे राष्ट्रगान हम देखते हैं वे कोई भी जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अगर हम बात करें वे किसी प्रकार के हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं जितने भी हमारे वहाँ पर, या किसी भी प्रकार का कोई भी ओकेजन होता है तो वहाँ पर राष्ट्रगान गाया जाता है। तो राष्ट्रगान का जो समय होता है आपको पता होगा वे कितना होता है 52 सेकेंड होता है, लेकिन वो गाने का जो अगर हम देखते गाया जाता तो 20 या 30 सेकेंड के अंदर पूरा कर लिया जाता है। और अगर हम बात करें इसके जो रचयिता है राष्ट्रगीत के, जो राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो कौन है, वो हमारे कौन है रविंद्रनाथ टैगोर। और सात नंबर पे अगर हम बात करें राष्ट्रगीत है जो हमारा जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और जो क्या नाम है उसका, जो हमारा राष्ट्रगीत है वो हमारा वंदे मातरम, कौन सा वंदे मातरम। आगे अगर हम चलते हैं 8 नंबर पे यानी राष्ट्रीय चिन्ह यानी निशान, तो वो कौन सा है हमारा अशोक स्तंभ है। आगे 9 नंबर में देखिए भाई राष्ट्रीय वाक्य यानी जो राष्ट्रीय वाक्य थे वो क्या था, वो है हमारा सत्यमेव जयते, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सच्चाई की हमेशा क्या होती है जीत होती है। 10 नंबर पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प अगर हम बात करें तो फूल यानी फूल कौन सा हमारा कमल है। आगे 11 नंबर पे हमारा राष्ट्रीय फल आम, जिसको हम बोल क्या जाता है फलों का राजा, तो कौन होता है वो आम होता है भाई। आगे है 12 नंबर पे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा मोर है, कौन सा मोर। तो आगे देखिए 13 नंबर पे राष्ट्रीय पशु कौन सा हमारा, वो है हमारा बाघ। और आगे 14 नंबर पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हमारा बरगद है।
आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा 15 नंबर पे है जो राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल गेम है वो कौन सा है, हॉकी। जो वर्तमान में अगर हम बात करें जो कैप्टन यानी कप्तान, जो हॉकी का जो कप्तान है उसका नाम है मनप्रीत सिंह पवार, और इसके अंदर अगर हम बात करें भाई खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 11। आगे देखिए भाई हमारा जो 16 नंबर पे राष्ट्रीय पंचांग, यानी पंचांग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलेंडर, तो वो कौन सा है, शकशवत। तो आपको पता होगा भाई इसके अंदर जो कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में अगर हम बात करें भाई सबसे, अगर क्वेश्चन आता है भाई सबसे कम दिन किस महीने में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फरवरी महीने में। और आपको पता होगा भी एक साल में, यानी एक साल में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 या 366 दिन होते हैं। आगे देखिए भाई 17 नंबर पे हमारा राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा अगर हम बात करें वो है हमारी रुपया, क्या है, रुपया, जिसका सिंबल है इस प्रकार से लिखते हैं। आगे है 18 नंबर पे जो हमारा राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई है वो हमारी कौन सी है, जलेबी। और आगे देखिए भाई 19 नंबर पे राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है वो हमारी गंगा डॉल्फिन मछली है, ये कौन सी है, गंगा डॉल्फिन मछली। और आगे देखिए भाई 20 नंबर पे, यानी 20 नंबर पे जो राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी, वो हमारी गंगा नदी है, कौन सी है, गंगा। और 21 नंबर पे है जो हमारा राष्ट्रीय सूचना पत्र, तो वो कौन सा है, राष्ट्रीय सूचना पत्र है हमारा, वो है श्वेत पत्र, कौन सा, श्वेत पत्र। आगे देखिए 22 नंबर पे जो है हमारी राष्ट्रीय योजना, अभी कौन सी योजना चली हुई है, तो वो हमारी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए 23 नंबर पे ये राष्ट्रीयता, नेशनलिटी बोला जाता है भाई राष्ट्रीय कौन सी, जैसे आप देखे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर पूछ लिया जाता है भाई नेशनलिटी कौन सी है आपकी, तो यानी कहाँ के हैं आप, भारतीय, भारतीय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन, इंडियन है। तो आगे देखिए भाई 24 नंबर पे राष्ट्रीय पकवान, जो राष्ट्रीय पकवान है वह हमारी कौन सी, खिचड़ी। आगे है 25 नंबर पे राष्ट्रीय विदेश नीति, यानी कौन सी है, वो विदेश नीति है, वो कौन सी, हमारी गुट निरपेक्ष नीति, कौन सी, गुट निरपेक्ष नीति। और 26 नंबर पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार है जो, वो कौन सा है, भारत रत्न, कौन सा, भारत रत्न। और एक वर्ष में कितनी बार दिया जा सकता है, ये ओनली ऑन थ्री टाइम्स, यानी तीन बार ही दिया जा सकता है भारत रत्न। और यानी जो ऐसे कौन महान शख्सियत थे जिसने मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि मिली थी, यानी किसने मिला था भारत रत्न, तो आपने ये क्या है हमारे कमेंट्स में बताना, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आगे है भाई 27 नंबर पे राष्ट्रीय पिता, राष्ट्रीय पिता अगर हम बात करें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आपने सुना होगा इसके बारे में, यानी आपने देखा भी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। और अगर हम बात करें भाई इसके अंदर बहुत से क्या आंदोलन चलाए, आंदोलन जिस प्रकार से नमक आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था आदि, यानी आंदोलनों के अंदर भागीदारी अपनाई अपनी, यानी बढ़ चढ़ कर क्या लिया, भाग लिया। आगे है राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व या त्यौहार, हम देखते हैं त्यौहार तो जैसे हमारी होली है, दिवाली है, तीज है, दशहरा है, ये हमारे त्यौहार होते हैं। और राष्ट्रीय पर्व की हम बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले है गणतंत्र दिवस, यानी गण मीन्स लोगों का तंत्र, गणतंत्र दिवस, तो वो कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस यानी इस दिन 15 अगस्त 1947 को क्या हुए थे, भारत क्या होता, देश आजाद हुआ था। तो आगे है भाई 3 नंबर पे गांधी जयंती, गांधी जयंती जो कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये किस उसमें मनाई जाती है, ये महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर मनाई जाती है।